हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। तो यार, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी निकल आ रही है, जो NVC LDC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे एक साल बाद। जैसा कि आपको मालूम होगा, आगे जाने मैं बताने वाला हूँ एक साल किसको कैसे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा थंबनेल, अगर आप इस वीडियो पर पहुँच ही गए हैं तो NVS LDC टाइपिंग टेस्ट डेट आउट हो चुकी है ऑफिशियली। बिल्कुल बहुत बड़ी यार खुशखबरी यार निकल कर आ रही है हमारे लिए, तो मतलब अति खुशखबरी है, मतलब पूरे एक साल बाद आएगी, ठीक है ना। तो देखिए, ऑफिशियल बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आगे मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ। अभी हम ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर चलेंगे, आप खुद भी जा सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में फिक्स है, सितंबर की कौन सी तारीख को है ये भी मैं बताऊंगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा आपका वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा, अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और NVS से जुड़ी आपको पल पल की अपडेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट चाहिए, तो हमारे चैनल को दी एग्ज़ाम हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर लिए चलता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, आप डालेंगे क्या, NVS करके डालना है आपको। जैसे ही आप NVS करके डालते हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं नीचे करके दिखा दूँगी। देखिए, पहली ही वेबसाइट आपको दिख जाएगी, ये देखिए, ये वाली नवोदय विद्यालय समिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ से काटेंगे आप, यहाँ से इसको काट देंगे, एक मिनट, ठीक है। काटने के बाद आपको ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, स्किल टाइपिंग टेस्ट, आयुरो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ LDC अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019, ठीक है। तो चलिए, मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ तो ले चलता हूँ। आपको कैसे पहुँचना है, तो देखिए ये थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर देखिए ये नोटिस दिख रहा होगा, देखिए एग्ज़ाम इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर स्किल टेस्ट नोटिस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से खुल के आएगा, और देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको नोटिस दिख रहा होगा, कंडक्ट ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट IRO कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट फॉर दी LDC अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019, ठीक है। या यहाँ पर आपको देखिए, मैं इसका जो नोटिफिकेशन वो पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे जो PDF लिखी हुई है उसको डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मैं आपको जो डाउनलोड फाइल है उसको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये खुल चुकी है हमारे सामने, जो डाउनलोड फाइल है वो पूरी खुल के आ चुकी है। चलिए, मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। डेट देखिए, कब के कब पब्लिश किया गया है, 16/8/2021, यानी 16 अगस्त, आज की ही डेट में ही इसे पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। तो नीचे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, मतलब ये देखिए, आपका जो है रिजल्ट आया था कब, 15/7/2020 को, यानी कि पूरे एक साल आपके रिजल्ट को हो चुके हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। और पूरा एक दिन एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, मुझे याद है, ठीक है। तो उसके एक साल बाद तो देखिए आपका रिजल्ट आता है, और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 16 अगस्त को देखिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट का एक नोटिस आता है, ठीक है। तो देखिए, पूरा पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, 15 को है, और इसका देखिए, द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि ओपनिंग ऑफ लिंक ऑफ फॉर ऑप्टिंग मीडियम ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश में जो टाइपिंग होनी है उसको सेलेक्ट करने के लिए एक लिंक दी जाएगी। कब दी जाएगी, 18 अगस्त 2021 को ये लिंक एक्टिवेट कर दिया गई, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद ये लिंक जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर लिंक ऑप्टिंग मीडियम, यानी कि जो लिंक बंद होगी कब हो जाएगी, 26 अगस्त, यानी कि 8 दिन तक ये लिंक खुली रहेगी। अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं करते हैं, लैंग्वेज आप भूल जाते हैं, तो उसका भी इन्होंने बंदोबस्त कर दिया, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी नोटिस में, ठीक है।
इसके बाद देखिए नीचे तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आपको ई एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करने को मिलेगा, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो आपको देखिए 2 सितंबर को आपको डाउनलोड हो जाएगा। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, कब होने वाला है तो देखिए 16/9/2021 को आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट होगा, यानी 16 सितंबर को, ठीक 1 महीने बाद आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो यार लग जाइए यार, फाड़ दीजिए टाइपिंग बिल्कुल, मतलब धड़ाधड़ कीबोर्ड म्यूट तोड़ दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके बाद देखिए एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एग्ज़ाम सेंटर क्या है, तो सेंटर फॉर स्किल टेस्ट, तो देखिए इट विल बी इंसिमेटेड एडमिट कार्ड। और आपको जो क्षेत्र दिया गया है वो दिल्ली NCR, यानी कि दिल्ली के से NCR के जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपको जो है एडमिट कार्ड पे जो आपका डेट मेंशन होगा, जो पता वहाँ पर आपको जाके देना है, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे वाली चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ऑल कैंडिडेट कंसर्न आर अप्रेस्ड दैट दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट ऑप्ट एंड और फेल्स टू ऑप्ट एनी ऑप्शन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश स्किल टाइपिंग टेस्ट, यानी कि ये लिखा हुआ है कि आप अगर हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में से जो ये लिंक आई है उस पर अगर आप मतलब उस समय में आप जो है लैंग्वेज चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद अगर मान लो आपने लिंक ये बंद हो गई 26 को, उसके बाद आप चूज़ नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज मिलेगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइपिंग करना पड़ेगी और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार यही वीडियो था, बिल्कुल ऑफिशियल मैंने आपको वीडियो बताया है, ठीक है। अगर आपको हमें हमसे ये जानना है कि हम अपनी स्किल को एक मतलब 1 महीने में कैसे हम टाइपिंग को पूरा कर सकते हैं, मतलब एक महीने में कैसे स्पीड आएगी, हमने तो बिल्कुल टाइपिंग बंद कर रखी है, तो मतलब 1 महीने में टाइपिंग कैसे लें, हिंदी चुने, इंग्लिश चुने, हिंदी चुने, कौन सा चुने, अगर आप कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। और 18 अगस्त को जैसे ही इसका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा हम उस समय भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।